भारतीय किसान यूनियन द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं। यह धरना प्रदर्शन सेक्टर 9 स्थित वृंदावन कॉलोनी के सेक्टर 9 स्थित आवास विकास कार्यालय के ठीक बाहर था। यह धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण जो किसानों को जारी किया गया नोटिस था, जो उनके निर्माण घर थे उनके मालिकों को जो नोटिस जारी किया गया उनके घर को ध्वस्तीकरण करने का, उसके खिलाफ किसानों के पक्ष में खड़ी हुई भारतीय किसान यूनियन एक बार फिर से किसान आंदोलन की तरफ बढ़ता ही आंदोलन प्रथम ये दिवस था। इसमें जो मुख्य बिंदु थे उसका कारण सिर्फ एक था इस धरना प्रदर्शन का, कि जिस प्रकार से 28/10/2011 को एक वार्ता हुई थी भारतीय किसान यूनियन प्रतिनिधि मंडल व आवास विकास परिषद के मध्य एक वार्ता हुई थी, इसमें कई मांगों पर सहमति बनी थी, उसके बावजूद जो 29/10/2011 को परिषद बोर्ड में रखकर निर्णय लिया गया था इसमें मानी गई थी जो बातें मानी गई थी आवास विकास के द्वारा, लेकिन उस पर अभी तक कोई धरातली काम नहीं हुआ। हम आपको बताते चले कि वो मांगे कुछ किस प्रकार से थी। वृंदावन योजना में वर्ष 2002 तक बने मकानों को असुधार शुल्क लेकर समायोजित किया जाना था, परंतु आज तक किसी भी निर्माण को समायोजित नहीं किया गया। निर्माण के विपरीत मकान मालिकों को परिषद के अधिकारी निर्माण को ध्वस्त करने की नोटिस जारी कर रहे हैं, जिसको लेकर रोका जाए इसको लेकर यह धरना प्रदर्शन था। साथ वृंदावन योजना में शमशान घाटों को चिन्हित करके सौंदर्यीकरण कराना कराया जाए, यह भी था वृंदावन योजना। वृंदावन के अधिग्रहण से प्रभावित भू स्वामियों को जिनको 5% भूमि के भूखंड अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, एक निर्णय हुआ था 2011 में प्रभावित किसानों को तत्काल सारी मांगों से, लेकिन अभी तक इन सारी मांगों पर बराबर पर कोई काम नहीं हुआ, जिसको समायोजन करके 20% प्रथम दर आवंटन दर जो इनका प्रथम था आवास विकास का, उसका 20% असुधार शुल्क लेकर समायोजन करने का था, उसको दरकिनार करते हुए आज तक उसको लागू ही नहीं किया, ना किसी को नोटिस, डायरेक्ट ध्वस्तीकरण की नोटिसें लोगों को भेजने लगे। जब 2002 में एक इनका आपसे कुछ एग्रीमेंट हुआ था कि आपको जो डेवलपमेंट चार्ज देंगे रोक दिया जाए, क्या 2002 को नहीं नहीं फॉलो किया? 2002 को आधार मानकर 2011 में एक निर्णय हुआ था, तो इन लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया आज तक, और उसके बाद आप लगातार नोटिस देने लगे, जबकि 2011 में सर्वे हुआ था हर गांव गांव की, जिसके कारण उनको थी कि नंबरिंग के बाद इन गांवों का जो है इनसे पेपर मांगे जाएं, ये एविडेंस दे, बिजली का बिल दे, वोटर कार्ड दे, आधार कार्ड दे, राशन कार्ड दे, जो जिसके पास गांव में है वो दे, और लेकिन इन लोगों ने वो नोटिस नहीं दी कि आप हमको पेपर दीजिए, तो निर्णय के आधार पे आपको समय आपका जो नंबरिंग किया गया इस नंबर का आप वो दीजिए कागज, लेकिन वो पेपर नहीं मांगकर सीधे इन्होंने नोटिस लोगों को भेजना, आप नोटिस देने आवास आयुक्त को गए थे देने, SDM को देने गए, जिला अधिकारी को देने गए, इनके ऑफिस में हमने नोटिस भेज दी अपनी कि हमारी पंचायत लगी हमसे कोई आके बात कर ले और हमारे जो निर्णय है इन निर्णय को लागू करें। भाई मकानों का जो निर्णय हुआ था कि 2010 छोड़े जाएंगे, इनको लागू करें, नहीं लागू करेंगे तो भाई मोहम्मद फहीम सिद्दीकी नगर अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, हम एक बार बताना चाह रहे हैं कि आज जो आवास विकास के प्रांगण के बाहर भारतीय किसान यूनियन जो धरने का आयोजन हुआ है, ये 2002 को आधार वर्ष मान के 2011 के बीच में भारतीय किसान यूनियन के प्रतिमंडल के बीच एक समझौता हुआ था। समझौता ये हुआ था कि 2002 के पूर्व जो भी मकान बने हैं उन आवंटित वो मकान अलॉट कर देंगे समायोजन के तहत में, लेकिन ये जो धरना सेठ बैठे हैं इसमें बड़े बड़े बिल्डर हैं, इन लोगों ने क्या किया, नगर आयुक्त तो उनके पूरे कार्यालय के लोगों ने कोई प्रमाणित बिल्डर है जिसका नाम बताना समझेंगे तो भी आने वाले वक्त में सब आपके सामने आएंगे। हम एक बात बता दें, 500 किसानों को इन्होंने नोटिस दिया और मकान तोड़ने का काम किया है। भारतीय किसान यूनियन इस पंचायत के माध्यम से आगाह कर रही है, अगर जो एक भी किसान का मकान टूटा तो ये भारतीय किसान यूनियन इनके बिल्डिंगों में और इनकी जमीनों पे कब्जा करने का काम भारतीय किसान यूनियन करेगी। वह सबसे बड़ा अधिकारी आवास आयुक्त है और आयुक्त के बाद में एक बात बताना चाह रहा हूँ, मैं लिखित प्रमाण के साथ में कह रहे हैं कि जो आवास विकास की योजना में जो प्लाट का समायोजन हुआ है
इस लखनऊ जनपद में जितने आवास विकास के अधिकारी हैं उनके जिम्मे किसी के पास 6 प्लाट है, किसी के पास 7 है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 4 है, और जिनकी योजना में कीमत हमारे म्यूनिसिपल अंदानगर में 1 प्लाट की कीमत 6 से 7 हजार रुपए स्क्वायर फीट बेचने का काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में भारतीय किसान यूनियन के सिपाही लोग उन प्लाटों पे कब्जा करके और अपने हाथों में लेने का काम करेंगे। देखिए सिद्दीकी साहब का एकदम अस्पष्ट कहना है, ये जाहिर सी बात है, एक फोर्थ क्लास के बाद भी 3-3 प्लाट हुआ करते हैं। एविडेंस तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इनका आरोप है कि एक एक कर्मचारी के पास 10-10 अधिकारी से लेकर फोर्थ क्लास तक के पास प्लाट है। फोर्थ क्लास के जितना आवास विकास का कर्मचारी अधिकारी है इनकी को जांच कर ली जाए। आवास विकास का एक भी अधिकारी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास 3-4-5 प्लाट नहीं है, और इनकी इनके बच्चों की जांच कर ली जाए। कोई बच्चा फॉरेन में पढ़ रहा है, कोई इंग्लैंड में पढ़ रहा है, और हमारी धरती, हमारी जमीन है, हमारे शमशान घाट को इन्होंने क्या अपने अपने आप को कब्जा कर लिया। भारत एक ऐसा देश है जो कृषि प्रधान देश है, क्या ये मौखिक कही जाते कि वाकई कृषि प्रधान देश है? ये कृषि प्रधान देश खाली जो है हमारे पेपरों पर है, हमारे किताबों पर है। आज कृषि प्रधान देश होता हमारा धान खरीदा नहीं जा रहा। आज अमर उजाला के पेपर में दिया आलू, आलू जो है 10 पैसे किलो नहीं खरीदा जा रहा। बिल्कुल, ये शर्म की बात है। हम कृषि प्रधान देश होते हुए के बाद और धरती का जो राजधानी का जो एक सिस्टम बन गया है, उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि इसको जो है हम राजधानी लखनऊ जनपद को हम उत्तर प्रदेश का अव्वल दर्जा देंगे। क्या अव्वल दर्जा देंगे? अव्वल दर्जा आपका पेड़ों को कटा के देंगे, जमीनों के किसानों की जमीनों को कब्जा करके आप देंगे, किसानों को मकानों से बाहर करके देंगे। अरे आपको रोक लगाना है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है उन पर रोक लगाने का काम किया जाए। कहीं बनाई जा रही है कि बड़ा आदमी और बड़ा हो जाए और गरीब और नीचे चला जाए। देख रहे हैं इनका आक्रोश। आपका भी घर आपके पास आवास है? आपके पास मकान है? हाँ मकान है। नगर निगम में है कि आपका व्यक्तिगत पुश्तैनी मकान है? आपका है कि नगर निगम पे है कि डी पे है कि आबादी के? नहीं है, नगर निगम है। आपको तो नहीं तोड़ने उड़ने का कोई नोटिस? ठीक है।